वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे बिहार की बहुत ही फेमस सत्तू की कचौड़ी। ये बहुत क्रिस्पी और इसका मसाला बहुत लाजवाब लगता है। तो चलिए स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। यहाँ मैंने 250 ग्राम सत्तू लिया है, जो कि भुने हुए चने का आटा होता है। मिला लेंगे। मिला लिया है। अब मोइन के लिए 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब पहले ऑयल के साथ ही आटे को अच्छे से मिला लेना है। देखिए, जब आटा इस तरह से बाइंड होने लगे तो हमें और ऑयल ऐड नहीं करना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। देखिए, हमारा डो तैयार है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए, 10 मिनट बाद अब इसकी लोइयां काट लेते हैं। देखिए, इतनी बड़ी लोई ले लेनी है। इसे हमें कटोरी की तरह बना लेना है, बीच से मोटा और किनारे से पतला कर लेना है। इसमें मैं 2 चम्मच मिक्सचर डाल लूंगी। मिक्सचर को अंगूठे और उंगली की सहायता से अंदर प्रेस करते हुए इसे ऊपर से बंद कर लेना है। देखिए, इस तरह जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं। इसी तरह बना लेंगे। देखिए, कुछ बना लिए हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है। अभी इसमें मैं एक कचौड़ी डालकर ही तल रही हूँ।